हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल सर्विस स्टडी। बच्चों, आज मैं आप सभी के लिए एक नई वीडियो लेकर आया हूं। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि मैं क्लास 10th फिजिक्स का लास्ट चैप्टर मींस 13th चैप्टर मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पढ़ा रहा हूं। तो आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो ये होगा कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर। इसमें हम तीन पार्ट पढ़ेंगे बच्चों। पहला पार्ट ये पढ़ेंगे कि एक हमारे पास अगर कोई स्ट्रेट कंडक्टर है तो उसमें अगर हम करंट फ्लो कराते हैं तो उसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है उसकी स्टडी करेंगे हम। दूसरा ये कि हम कोई सर्कुलर लूप लेंगे और उसमें करंट फ्लो कराएंगे और उसमें मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी तो उसकी स्टडी करेंगे। और तीसरा पार्ट हम एक सोलेनाइड की मैग्नेटिक फील्ड की बात करेंगे। तो आज यहाँ पे सबसे पहले मैं डिस्कस करूंगा अपना पहला पार्ट की मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट थ्रू अ स्ट्रेट कंडक्टर। क्या है टॉपिक आज का? मतलब कि एक स्ट्रेट कंडक्टर में अगर हम करंट फ्लो कराते हैं तो उसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी बच्चों उसकी स्टडी हम करने जा रहे हैं। हमने एक कार्डबोर्ड लिया ये, और इस कार्डबोर्ड में बीच में होल करके हमने क्या किया, एक वायर इसमें डाल दिया। ठीक है, स्ट्रेट वायर है, इसी को हम स्ट्रेट कंडक्टर बोल रहे हैं। और इस वायर के दोनों ही एंड को हम एक बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा प्लस टर्मिनल और ये माइनस टर्मिनल। ठीक है, और बनाना है तो बना सकते हो। ठीक, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव। अब बच्चों, इसमें करंट अपवर्ड डायरेक्शन में प्रोड्यूस हो रही क्या, आई। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं कि इस कार्डबोर्ड पे थोड़ा सा आयरन पाउडर डाल दे रहे हैं, स्प्रिंकल कर दे रहे हैं ऐसे, कुछ इस तरीके से। इस तरीके से हमने इस पे आयरन पाउडर स्प्रिंकल कर दिया, ढेर सारा छिड़क दिया। मतलब कोई पैटर्न नहीं दे रहे हैं हम इसको, बस ऐसे ही इस पे क्या कर दे रहे हैं, स्प्रिंकल कर दे रहे हैं। ठीक है, और जैसे ही हम इस वायर के दोनों एंड को इस बैटरी से कनेक्ट करेंगे ना, तो क्या होगा कि इस वायर में करंट फ्लो होने लगेगी और ये करंट जो होगा इस वायर में, तो उस करंट की वजह से कोई ना कोई मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। यही तो हमने पढ़ा पिछले वीडियो में कि अगर कोई हमारे पास कंडक्टर है उसमें हम करंट फ्लो कराएंगे तो वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। तो वही काम तो यहां भी कर रहे हैं, हमने एक स्ट्रेट वायर लिया है दैट इज स्ट्रेट कंडक्टर और उसके एंड को बैटरी से कनेक्ट कर दिया तो इसमें करंट फ्लो होने लगी। और ये क्या करेगा, ये वायर जो है अपने चारों तरफ एक फील्ड जनरेट करेगा, एक मैग्नेटिक फील्ड पैदा करेगा, और वो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इस कार्डबोर्ड पे जो हमने आयरन पाउडर स्प्रिंकल किया है वो खुद को एक पैटर्न में अरेंज कर लेगी। मतलब इसका अगर पैटर्न देखेंगे हम फाइनली, तो वो हमारा कैसा होगा बच्चों, कॉन्सेंट्रिक सर्कल का पैटर्न बनेगा। यहां पे देखिए मैं बना रहा हूं कैसे, कॉन्सेंट्रिक सर्कल का पैटर्न बनेगा कुछ इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से जो हमने आयरन पाउडर स्प्रिंकल किया था इस कार्डबोर्ड पे वो कुछ कंसेंट्रिक सर्कल का अरेंजमेंट बना लेगा। ठीक है, और वो क्यों बना रहा है, क्योंकि ये वायर क्या कर रहा है, एक फील्ड जनरेट कर रहा है। तो ये एक स्ट्रेट कंडक्टर है। अब यहां पे हमको इस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन पता करनी है, मेन हमारा एम यही है। फिर से एक बार एक्सपेरिमेंट को समझ लेते हैं कि हमने एक कार्डबोर्ड लिया और उसके अंदर एक स्ट्रेट वायर डाल दिया, वायर के दोनों एंड को हमने एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया। कनेक्ट करने के बाद इस कार्डबोर्ड पे हमने क्या किया, थोड़ा सा आयरन पाउडर स्प्रिंकल कर दिया, और जैसे ही इस कंडक्टर में इस स्ट्रेट वायर में करंट फ्लो कराते हैं तो ये जो आयरन पाउडर रहता है ये खुद को एक कंसेंट्रिक सर्कल के पैटर्न में अरेंज कर लेता है। ठीक है, और ये ऐसा क्यों कर रहा है, क्योंकि ये वायर एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर रहा है। अब इस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हमको पता करनी है तो हमको एक रूल पढ़ना है बच्चों, यहां पे कौन सा, राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड
थंब रूल, ठीक है। तो राइट हैंड थंब रूल क्या है, हम एक स्ट्रेट वायर को अपने राइट हैंड में इस तरीके से पकड़े कि जो हमारा थंब है वो करंट की डायरेक्शन को पॉइंट करे, ठीक है, जो हमारा थंब है वो करंट की डायरेक्शन को पॉइंट करे। तो हम जिस डायरेक्शन में अपनी फिंगर्स को कर्ल करेंगे इस कंडक्टर को होल्ड करने के लिए, वो डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। फिर से ध्यान दीजिए मैं क्या कह रहा हूं कि राइट हैंड थंब रूल क्या कहता है कि यदि हम अपने राइट हैंड में एक स्ट्रेट वायर या स्ट्रेट कंडक्टर को इस तरीके से होल्ड करें कि हमारा थंब करंट की डायरेक्शन को अगर पॉइंट करता है तो इस वायर को पकड़ने के लिए हमारी फिंगर्स जिस डायरेक्शन में कर्ल हो रही हैं, ये देखिए इस डायरेक्शन में ऐसे ऐसे हो रही ना, ऐसे ऐसे कर्ल कर रहे हैं इसको पकड़ने के लिए, तो जिस डायरेक्शन में हमारी फिंगर कर्ल हो रही है, मतलब कि फिंगर के कर्ल करने का जो डायरेक्शन है वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चों क्या हो रहा है कि हमारा करंट क्या हो रहा है, करंट ऊपर जा रहा है, ये ऐसे पकड़े हुए हैं हम, हमारा करंट को पॉइंट कर रहा है और करंट अपवर्ड डायरेक्शन में है, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी बच्चों, ये ऐसे ऐसे, ठीक है। मतलब कि मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी वो कैसे होगी, ऐसे इस तरीके से, और ये डायरेक्शन कौन सी है बच्चों, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। मतलब कि जब हमारा करंट अपवर्ड डायरेक्शन में रहेगा, करंट इज इन द अपवर्ड डायरेक्शन, करंट हमारा अपवर्ड डायरेक्शन में रहेगा तो जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो कैसी होगी, एंटी क्लॉकवाइज, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इसको आप बी से रिप्रेजेंट कर सकते हो, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, एंटी क्लॉकवाइज होगी, कब, जब हमारा करंट क्या करेगा, ऊपर के डायरेक्शन में फ्लो करेगा, ठीक है। इसके अगर उल्टे की बात करें, मतलब कि हमने ऐसे किया था, ऐसे कर दिया, ध्यान से देखिए ऐसे कर दिया, तो अब हमारा जो थंब है वो किसको पॉइंट कर रहा है, करंट को पॉइंट कर रहा है, और करंट किधर जा रही है, नीचे के डायरेक्शन में जा रही है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रही है, तो हमारी फिंगर्स किधर कर्ल हो रही है, ऐसे, ध्यान से देखिए ऐसे इस तरीके से। मतलब कि अगर हमने यहाँ पे करंट की डायरेक्शन को चेंज कर दिया, नीचे के डायरेक्शन में कर दिया, तो हमारी फिंगर कैसे जा रही है, ऐसे जा रही है, ऐसे इधर से इधर, ये ऐसे, ठीक है। और ये कौन सी डायरेक्शन है बच्चों, घड़ी ऐसे ही तो चलती है ना, मतलब घड़ी की सुई क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो जाएगा किसका, मैग्नेटिक फील्ड का, कब, जब हमारी करंट का डायरेक्शन क्या रहेगा, डाउनवर्ड। अगर करंट हमारा डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, करंट अगर डाउनवर्ड डायरेक्शन में है तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्लॉकवाइज होगी, और अगर हमारा करंट अपवर्ड डायरेक्शन में है तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कौन सी होगी, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। ये कौन बताता है, राइट हैंड थंब रूल, ठीक है बच्चों। आई होप कि आपको राइट हैंड थंब रूल समझ में आ गया होगा। तो थोड़ा सा हम इसकी डिफिनेशन लिख लेते हैं राइट हैंड थंब रूल की बच्चों, राइट हैंड थंब रूल क्या है, राइट हैंड थंब रूल, इमेजिन दैट यू आर होल्डिंग अ करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर इन योर राइट हैंड सच दैट
थंब पॉइंट्स द डायरेक्शन ऑफ करेंट देन द डायरेक्शन इन विच द फिंगर्स इन सर्कल द वायर विल गिव द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड यही तो बताया ना हमने कि यदि हम एक स्ट्रेट कंडक्टर को अपने राइट हैंड में पकड़ें और जो हमारा थंब है वो करंट की डायरेक्शन को पॉइंट करे तो जिस डायरेक्शन में हम फिंगर्स को कर्ल करेंगे वो डायरेक्शन किसकी होगी? मैग्नेटिक फील्ड की। और इतना आपको याद रखना है कि अगर हमारी करंट का जो डायरेक्शन है वो अपवर्ड है तो मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी वो कैसे आई थी बच्चों? फिर से आप देख लो, ऊपर डायरेक्शन है तो फिंगर कैसे? इधर ऐसे, मतलब कि एंटी क्लॉक जा रही है ऐसे। ठीक है, इसको बोल सकते हो क्या? एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, मतलब कि अगर हमारी करंट अपवर्ड तो मैग्नेटिक फील्ड एंटी क्लॉक, और अगर हमारी करंट डाउनवर्ड हो गई तो मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा बच्चों? क्लॉकवाइज। ठीक है, क्लॉकवाइज हो जाएगा ऐसे। ठीक बच्चों, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को बताने के लिए हम स्क्रू रूल का भी यूज कर सकते हैं। स्क्रू रूल क्या है? आप जानते रहो क्या होता है स्क्रू रूल। मान लो कि हमारे पास एक स्क्रू है और स्क्रू की जो नोक है, ये स्क्रू है और स्क्रू का जो हेड है वो क्या कर रहा है? करंट की डायरेक्शन को पॉइंट कर रहा है। तो जिस डायरेक्शन में उस स्क्रू को हम टाइट करने के लिए रोटेट करेंगे, दैट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। जैसे कि ये क्या है? हेड है स्क्रू का, और अगर हमको ये स्क्रू टाइट करना है तो हम ऐसे ऐसे इसको क्या कर दें? रोटेट कर दें इस तरीके से, और ये आगे टाइट होता जाएगा। तो ये जो डायरेक्शन है, जिस डायरेक्शन में हम इसको रोटेट कर रहे हैं स्क्रू को टाइट करने के लिए, दैट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो ये स्क्रू रूल एकदम राइट हैंड थंब रूल की तरह वर्क करेगा। देखिए, इसका हेड किसको पॉइंट कर रहा है? करंट को। करंट ऊपर के डायरेक्शन में, तो कैसे घुमाएंगे इसको टाइट करने के लिए? ऐसे ऐसे घुमा रहे ना, इस तरीके से ऐसे ऐसे। और आप ध्यान दीजिए कि घड़ी कैसे चलती है, ऐसे ऐसे चलती है। अगर आप नीचे मान लो घड़ी बनाओगे, ये मान लो घड़ी है, मैं ऐसे देख रहा हूं, ठीक है, तो घड़ी ऐसे जाएगी ना, ऐसे ध्यान दीजिए, ऐसे जाएगी घड़ी। करंट की डायरेक्शन मान लो ऐसे है, इस डायरेक्शन में ऊपर है, तो किधर टाइट करेंगे इसको? ऐसे टाइट करेंगे, ऐसे ऐसे इस तरीके से। तो अगर करंट ऊपर है तो मैग्नेटिक फील्ड एंटी क्लॉक, और करंट डाउनवर्ड है तो मैग्नेटिक फील्ड क्लॉकवाइज। और ये रूल हम क्यों पढ़ रहे हैं, ये तो आप सभी को पता ही है। क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि जो अभी एक्सपेरिमेंट लिया था हमने कार्डबोर्ड वाला, उसमें जो कंसेंट्रिक सर्कल का पैटर्न बन रहा है मैग्नेटिक फील्ड का, उस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को पता करने के लिए हम राइट हैंड थंब रूल पढ़ रहे हैं। ठीक है।